जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड है एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली अभी मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन होने के बाद से मतलब पहली बार फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके पहले यह गवर्नमेंट कंपनी थी और इसमें जो भर्ती आती थी वो गवर्नमेंट के तहत भर्ती की जाती थी, मगर अभी यह कंपनी टाटा कंपनी के पास जा चुकी है और तो एयर इंडिया टाटा ने पहली बार फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे और आप लोग उन डाउट्स को क्लियर करने के बाद बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी जो निकाली गई है इस वैकेंसी में एयर इंडिया आपसे एक भी रुपया कहीं पर भी चार्ज नहीं करती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस, ना कोई ट्रेनिंग फीस, ना कोई गेट पास। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे एयर इंडिया नहीं लेती है। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई वेबसाइट या फिर ऐसी कोई कंसल्टेंसी मिलती है जो आपको ये कहती है कि आप हमें पैसे दे दो हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर में, तो आप समझ जाइए वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। वहां पर आपको उन लोगों से बच के निकल जाना है और ऐसे लोगों की आपको पुलिस कंप्लेन भी करनी है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में कि दोस्तों जब भी मैं कोई भी वैकेंसी एयरपोर्ट से रिलेटेड डालता हूं तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है या फिर मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, सर मैं क्या इसके इंटरव्यू में जाऊं कि ना जाऊं। सबसे बड़ा मतलब ये शंका वाला क्वेश्चन है। पहली बार इस क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं क्योंकि जब तक हम लोग इन सभी चीजों के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तो आप लोगों के मन में डाउट्स रहेंगे और आप लोग धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप लोग वैकेंसी छोड़ने का मन बना लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे तो आपको रास्ता पता चलेगा ही नहीं। तो मैं कहता हूं आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती वो बात की बात है, अगर कोई वैकेंसी आई है, अगर आपने उसमें एप्लीकेशन किया है, आपको इनविटेशन आया, तो एक बार एटलीस्ट आप उसके इंटरव्यू में जाकर तो देखिए। जब तक आप जाएंगे नहीं तो आप लोग अपना स्वयं का अवलोकन कैसे करेंगे, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको कितनी तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी करवाने के लिए मैं हूं, आप उसकी टेंशन मत लो। पहले आप अपने आप को एक बार देखो तो कि आप किस लेवल पर हो। तो एक बार मैं कहता हूं आप लोग इंटरव्यू में जाओ, ठीक है, देखो क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप मेरे कहने से आप इंटरव्यू में जाइए भाई, अगर आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती आप जाके देखिए। क्योंकि जब मैं एविएशन सेक्टर में आया था तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, यहाँ पर आके ही मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो कई बार कहते नहीं किस्मत जब अच्छी होती है ना तो मिल जाती है, तो आप किस्मत अच्छी समझिए, एक बार जाइए इंटरव्यू अटेंड कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जॉब टाइप, ये जॉब किस प्रकार की है। तो मैं आपको बता दूं ये जो जॉब है ये प्राइवेट जॉब है बट ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई जॉब नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया अभी जितनी भी वैकेंसी निकाल रही है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सभी एयर इंडिया के पेरोल पर वैकेंसी निकाली जा रही है, ये कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक एयर इंडिया के कर्मचारी को मिलती है, जैसे कि SLT फ्लाइट टिकट्स, कंपनी के बेनिफिट्स, ठीक है, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग सब वगैरह कंपनी इसमें कराती है। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छी जॉब है, क्योंकि पता जहां पर टाटा का नाम होता है वहां तो विश्वास कूट कूट कर भरा होता है। तो आप लोग इस वैकेंसी में अपने हाथ आजमा सकते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। अगर आपका इसमें एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपकी ड्यूटी किस प्रकार से होगी। तो आप लोग कई बार एविएशन सिक्योरिटी को सिक्योरिटी ना माने से आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड के तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को कुछ नहीं पता है, एविएशन सिक्योरिटी मतलब एक ट्रेंड पर्सन, ठीक है, मतलब जिसको बहुत ही अच्छी सी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, अच्छी स्किल्स सिखाई जाती है, उसके बाद वो पर्सन एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस करता है। ड्यूटी परफॉर्मेंस में आपको एक्सरे मशीन चलाना होता है, पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करनी होती है, उनके सामान की स्क्रीनिंग करनी होती है, जहाज की सुरक्षा करना, ठीक है, जहाज के अंदर जितना सामान जा रहा है उसकी सुरक्षा करना, उसकी स्क्रीनिंग करना, ये सारे काम होते हैं, मतलब सेफ गार्डिंग ऑफ सिविल एविएशन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, गैर कानूनी हस्तक्षेप कृत्यों से नागर विमानन की सुरक्षा करना, ये काम होता है एविएशन सिक्योरिटी का। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, तो बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग अपने करियर को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, आप लोग अपने आप को इंटरनेशनल सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोग क्रूज लाइन में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं,
अगर आप उन ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छी और बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अगर आप काबिल हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है बेनिफिट्स की। तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया कि अगर आप ट्रेनिंग पास करते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जैसे कि क्रूज में जा सकते हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्रूज में सिलेक्शन होता है तो वहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख प्लस ही होती है पहले साल से। 2-3 साल बाद तो उसमें सैलरी 3 लाख 4 लाख पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसके लिए मगर आपको ट्रेनिंग पास करना पड़ेगा। अगर आप क्रूज वगैरह में नहीं जाना चाहते तो आप कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे इमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, जो दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइन होती है, वो भी काफी आपको सैलरी पैकेज अच्छा देती है। तो मतलब अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप अपने आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन करके एविएशन सेक्टर में। ठीक है, अब बात आती है मुख्य चीज कि इसमें ट्रेनिंग आपकी कौन कौन होती है। तो इसमें देखिए आपकी 4 ट्रेनिंग होती है। होती है पहली इंडक्शन ट्रेनिंग, जो कि सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है, इसीलिए 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। जब आप पास बनवा मतलब जब आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन करेंगे तो आपकी सबसे पहली बेसिक इंडक्शन की ये ट्रेनिंग होती है। इसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद आपकी एफसेक ट्रेनिंग होती है एविएशन सिक्योरिटी की। इसके बाद आपकी एक्सरे स्क्रीनिंग की होती है। इसके बाद डीजीआर, ये 4 ट्रेनिंग आपको एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर पास करना पड़ेगा। बाकी और छोटी छोटी ट्रेनिंग सही होती है, जैसे ईआरपी हो गया, एसएमएस हो गया, ये ट्रेनिंग होती रहती है। मगर जो सिक्योरिटी के लिए मुख्य जो 4 ट्रेनिंग से ये होती है, इंडक्शन, बेसिक एब्सेक, एक्सरे स्क्रीनिंग और डीजीआर। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपकी होती है। इसमें आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बेसिक एयरपोर्ट या एविएशन के बारे में बताया जाता है, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है और आपका पास बन जाता है, आप एयरपोर्ट में एंट्री करके अपना नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप 1 से 1.5 महीना अपनी जॉब प्रोफाइल पे फंक्शन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत एविएशन के बारे में पता चल जाता है। फिर आपको बेसिक एफसेक के लिए भेजा जाता है। इसमें एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल, आपको किस प्रकार से अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस करना है, आपको क्या अवेयरनेस रखनी है, सारी चीजों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ईजी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक्सरे स्क्रीनिंग, आप इसमें जो लगेज होता है या कोई कार्गो होता है, कुछ भी हो, फल फ्रूट सब्जी सामान जो भी हो, आप इसमें एक्सरे स्क्रीनिंग में सीखती हैं। ठीक है, इसी में आपको पैसेंजर की स्क्रीनिंग भी सिखाई जाती है, मतलब पैसेंजर की जांच करना और उसके सामान की जांच करना, कार्गो जो भी जांच के अंदर जाएगा उसमें आपको स्क्रीनिंग के लिए इसमें सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसका डीजीआर, ये कैट 12, कैट 6, कैट 9, मतलब कई कैटेगरी की होती है, जिसमें मोस्टली सिक्योरिटी को डीजीआर कैट 12 की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको डेंजरस आर्टिकल, डेंजरस गुड्स, डेंजरस सब्सटेंस, इनके बारे में बताया जाता है कि कौन सा पदार्थ कितना खतरनाक है, इसको कैसे ले जाना है, जाल में अलाउ है कि नहीं अलाउ है, मतलब ये सारी चीजें आपको इन सभी ट्रेनिंग्स में बेसिक नॉलेज दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है ड्यूटी आवर्स की। तो देखो, एविएशन सेक्टर में आप किसी भी एयरलाइंस में किसी भी पोजिशन में ज्वाइन करें, इसमें डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस एयरपोर्ट पर हो रहा है। क्या आपका सिलेक्शन ऐसे एयरपोर्ट पर हो रहा है जो कि 24 24 घंटे के लिए रनिंग होता है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, तीनों शिफ्ट में अगर है तो आपकी वहां पे 3 शिफ्ट लगेंगी। कई ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जहां पर केवल दिन में आपको काम करना पड़ेगा, कई एयरपोर्ट होते हैं जहां पर दिन और शाम को भी ड्यूटी करना पड़ सकता है, कई होते हैं रात में भी ड्यूटी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है फंक्शनिंग ऑफ एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट हो गए, यहाँ पे 24x7 ऑपरेशन होता है, जिसमें 3 शिफ्ट होती है, तीनों शिफ्ट में वही 8.5 या 9 घंटे की शिफ्ट होती है। आप ब्रेक करके देख लीजिए, जैसे कि पहली शिफ्ट होगी सुबह 6 से 1:30 बजे तक, और दूसरी होगी 1:30 बजे शाम को 9 बजे से शाम को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, इस प्रकार से 3 शिफ्टें होती हैं। और जो दिन वाले होते हैं तो वही मतलब इसमें 8 से 9 घंटे की आप शिफ्ट रहेगी, बस ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और जो 24x7 रोटेशनल शिफ्ट वाले एयरपोर्ट होते हैं उनमें 2 मॉर्निंग 2 आफ्टरनून 2 नाइट होते हैं, उसके बाद 2 छुट्टियां। और जो नॉर्मल एयरपोर्ट होते हैं, केवल जिनमें दिन में ऑपरेशन होता है, तो उनमें आप 6 दिन ड्यूटी कीजिए, 7वें दिन ऑफ लीजिए, इस तरीके से इनमें शिफ्ट का काम चलता है। ठीक है, सैलरी की बात करें, देखो ये वैकेंसी एयर इंडिया ने पहली बार निकाली है, इन्होंने इस पोजीशन के बारे में सैलरी अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एज एविएशन सेक्टर में फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वही 22 से 24 या 25 हज़ार तक होती है, तो आपकी सैलरी वही 22 से 25 हज़ार के बीच में रहेगी। ये मेरा मानना है, ये ऑफिशियली नहीं, मैं आपको देखो सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, 1 पेज में सारी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमारे और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ही आप हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करना है, ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है। तो देखो, मैं आपको ज़्यादा हवाबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार निकाली गई है, इसके इंटरव्यू पहले कभी भी नहीं हुए हैं। ठीक है, मगर एविएशन सेक्टर में, चाहे वो सिक्योरिटी का कोई इंटरव्यू हो, या फिर कमर्शियल का, या फिर रैम्प का हो,
तो इसमें वही दो तीन राउंड होते हैं जीडी पर्सनल इंटरव्यू। अब बात आती है जीडी और पर्सनल इंटरव्यू किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका पर्सनल इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं वहां पर क्वालिफाई हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये पीडीएफ रिकमेंड करूंगा जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने तैयार करी है अपने अनुभव से, जहां तक जो मुझे पता है कि एविएशन सेक्टर में जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जीडी टॉपिक्स होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, इनमें मैंने सभी जीडी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है वन बाय वन, और सभी जो पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, उसके लिए आपको मामूली 29 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब बताते हैं कि आप ये 29 रुपीज ले क्यों रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये मुझे पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं कभी लेता। मुझे सिर्फ ये 29 रुपीज इसलिए लेना है क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ या फिर मैं आगे आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, तो मुझे उस डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो धीरे धीरे अपना आप लोगों से पीडीएफ करके दे रहा हूँ। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, सारे हो जाएंगे, तो मैं एक डिजिटल बोर्ड ले लूंगा और आप लोगों को मैं बेहतर जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं इंटरव्यू की तैयारी इसमें नहीं करा सकता। डिजिटल का मतलब होता है उसमें सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाई जा सकती हैं। तो सिर्फ ये पैसे लेने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आप लोगों के लिए सारी आल चीजें सभी कुछ फ्री हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग 29 रुपीज पे कीजिए। नंबर मैं आपको बताता हूँ, 91 20 96 46 05, ठीक है। आप इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या किसी भी माध्यम से पे कर दीजिए 29, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड के लिए तो आप कर सकते हैं, आपकी हार्दिक इच्छा है, आप जितना चाहें जो भी चाहें कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक कैंपेनिंग है, 1 साल 2 साल 5 साल में जब तक भाई पैसे इकट्ठा होंगे तब तक इकट्ठा करेंगे। जैसे हो जाएगा उस दिन से स्टॉप, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी जानकारी से खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।